नमस्कार कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है साथियों स्वरोजगार और खासतौर से अगर कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार की बात करें तो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके कई पहलू हैं आज हम इसी विषय पर बात करेंगे हमारे साथ हैं चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुलपति श्री मिश्रा साहब मिश्रा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है आ, हम सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की परिकल्पना और उसके क्या विशेष कार्य हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना भारत रत्न नानाजी देशमुख के शैक्षिक चिंतन एवं उनके अभिनव परिकल्पनाओं के की परिणति है जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा 12 फरवरी उन्नीस को स्थापित हुआ विश्वविद्यालय का ध्यय वाक्य है विश्वम ग्रामे प्रतिष्ठितम अर्थात ग्राम विश्व का लघु रूप है और विश्वविद्यालय का संकल्प है ग्रामोदय से राष्ट्रोदय हम ये पूछना चाहेंगे कि बहुत शिक्षा के बाद एक रोजगार से जुड़ना एक बहुत अहम मुद्दा होता है तो ग्रामोदय विश्वविद्यालय में विद्यार्थी स्वरोजगार से जुड़ सकें प्रैक्टिकल जो है वर्ल्ड से जुड़ सके तो कौन सी ऐसी कोशिशें की गई हैं विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अपने स्थापना काल से शिक्षण प्रशिक्षण शोध एवं प्रसार के माध्यम से अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहा है विश्वविद्यालय में शिक्षा के साथ संस्कार और संस्कृति से विद्यार्थी जुड़े इसके लिए वह सामाजिक मूल्य एवं उत्तरदायित्व के पाठ्यक्रम संचालित करता है जो प्रत्येक पाठ्यक्रम का अनिवार्य तत्व है जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय में प्रार्थना सभा वंदे मातरम का गायन ग्राम प्रवास के साथ साथ विश्वविद्यालय में संचालित जो संकाय हैं उनके लिए एक एक गांव को गोद लेना यह निर्धारित किया गया है विश्वविद्यालय में शिक्षा के साथ जो आपने अभी प्रश्न पूछा रोजगार तो पाठ पठन पाठन के साथ साथ विश्वविद्यालय में रोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं जो एडान के रूप में जो यहाँ पर नियमित विद्यार्थी हैं वह उसको ले सकते हैं इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम कम समय के अधिक समय के डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट भी संचालित किए जाते हैं डॉक्टर साहब हम पूछना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय में अगर वृहद स्तर पर हम जाएँ तो कौन कौन से पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं और कृषि क्षेत्र में कौन कौन से पाठ्यक्रम यहाँ पर मौजूद हैं विश्वविद्यालय में अभी वर्तमान में पांच संकाय हैं कृषि संकाय कला संकाय विज्ञान संकाय इंजीनियरिंग संकाय और प्रबंधन संकाय जिसके अंतर्गत पठन पाठ्यक्रम संचालित होता है और प्रत्येक विधाओं में विश्वविद्यालय अपनी शैक्षणिक गतिविधि चला रहा है नियमित दूरवर्ती तथा सामुदायिक पाठ्यक्रम के द्वारा आपने जो प्रश्न पूछा है कृषि के क्षेत्र में तो विश्वविद्यालय बीएससी एजी का पाठ्यक्रम तथा बीएससी एमएससी एजी का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जा रहे हैं डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे कि जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं चाहे इस सत्र में चाहे अगले सत्र में कहाँ संपर्क करें और कौन कौन से ऐसे क्या सुविधाएं विशेष तौर से अगर जैसे छात्रावास की सुविधाओं की बात करें तो कौन कौन सी सुविधाएं उनको यहाँ मिल मिल पाती हैं विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वह सब उपलब्ध है यहाँ पर विश्वविद्यालय के लिए छात्रावास है महिलाओं के लिए भी दो छात्रावास है हमारे पास अनुसूया छात्रावास वैदेही छात्रावास और चार पुरुष छात्रावास है हमारे पास इसके अलावा कैंटीन है विश्वविद्यालय से आसपास के ग्रामीण से आने वाली छात्राओं के लिए बस सुविधा भी है और हमने विश्वविद्यालय में छात्रों को आने वाली किसी भी प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए छात्रा सहायता केंद्र भी विश्वविद्यालय में संचालित है डॉक्टर साहब यह पूछना चाहेंगे कि खेती में जैविक खेती विशेष तौर से आजकल बात भी की जा रही है और जैविक खेती से जो है मानव जीवन का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहता है तो जैविक खेती के ऊपर आप लोग कितना जोर दे रहे हैं और विद्यार्थियों को किस तरह से प्रशिक्षित कर रहे हैं जिस प्रकार से वर्तमान में हम सब लोगों ने देखा है कि रासायनिक कृषि के नुकसान में समाज समाज को कितना नुकसान हो रहा है विश्वविद्यालय उस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है और जैविक खेती की ओर बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है आप स्वयं अभी कृषि संकाय जाएंगे ही हमारे यहाँ विश्वविद्यालय की स्वयं की गौशाला है जो वहाँ से निकलने वाले गोबर से हम स्वयं खाद बनाते हैं उसी खाद का प्रयोग हम अपने कृषि परिसर में कृषि के लिए करते हैं इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि आसपास के जो हमारे किसान भाई हैं उनके प्रशिक्षण के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है इस प्रकार की प्रशिक्षण की व्यवस्था भी है वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग हमारे यहाँ चल रहा है तो निश्चित रूप से जो छात्र यहाँ से निकलेंगे तो अपनी खेती में भी वो करने में भी सक्षम होंगे शासकीय सेवा में भी जाने के लिए सक्षम होंगे या कोई अपना स्वरोजगार करना चाहता है कृषि के क्षेत्र में तो वह भी उस प्रकार की पूरी प्रशिक्षण की भी व्यवस्था इस विश्वविद्यालय में है डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कि अगर जो युवा आत्मनिर्भर बने इसके लिए विशेष तौर से विश्वविद्यालय द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ख़ासतौर से गर्ल्स की अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बताया कि विश्वविद्यालय में खास खास को खासतौर पे महिलाओं के लिए जी। जो हमारी बहनें आती हैं किसी कारण से उनकी पढ़ाई आगे नहीं हो पाई है उनके लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे यहाँ हैं हमारे यहाँ कौशल संबंधन के संबंधन के अंतर्गत सिलाई कढ़ाई का भी प्रशिक्षण दिया जाता है जैन जली अचार निर्माण मुरव्य का निर्माण च्यवनप्रास इत्यादि सभी के निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आसपास के गांव की जो हमारी माताएं हैं बहनें हैं वो यहाँ आकर के प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं और सोरोज आगे जाकर के समाज में जाकर के वो अपना स्वरोजगार स्थापित कर रहे हैं डॉक्टर साहब जैसे कोई विद्यार्थी अगर कोई स्टार्टअप शुरू करता है जी तो वो बहुत ज़्यादा अनुभवी तो होता नहीं है जी। तो उसको कहीं ना कहीं अगर वो उस शुरुआत करने के बाद कुछ फॉलोअप की ज़रूरत पड़ती है तो क्या विश्वविद्यालय के जो प्राध्यापक हैं जो ट्रेनर हैं वो उपलब्ध रहते हैं बिल्कुल रहते हैं विश्वविद्यालय में इस प्रकार की एक अच्छी व्यवस्था है हमारे पास विभिन्न प्रकार के उपकरण भी है जो छात्र यहाँ करके प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं स्टार्टअप के लिए पिछले वर्ष हमने छात्रों को एक मानदेय भी उनको दिया था कि किसी प्रकार की धन धन की भी कमी अगर और योग्य छात्र है और ऐसा उसके मन में इच्छा है तो विश्वविद्यालय उसमें भी छात्र को प्रोत्साहित करता है और कभी उनको कोई समस्या आती है तो हम उसके स्थान पर जाकर भी उसको प्रशिक्षण देते हैं और उसकी समस्याओं को और आने वाली जो उसको आने वाली कठिनाइयाँ हैं उसके लिए निराकरण के लिए हम प्रयास करते हैं डॉक्टर साहब यहाँ पे बहुत सारे शोध करने वाले छात्र भी हैं जी। तो कहीं ना कहीं जब एजुकेशन के बाद जब अगर वो रिसर्च में लगे होते हैं तो अगर उनको कुछ मानदेय के लिए अगर कुछ ऐसी व्यवस्था हो चाहे वो सी एस आर फंड के तहत हो चाहे विश्वविद्यालय स्वयं करे या किसी और जरिए तो क्या ऐसी भी कुछ आपकी स्कीम आगे है विश्वविद्यालय के छात्रों को शोध के लिए मानदेय प्रदान किया जाना यह विश्वविद्यालय की योजना में है और हम निरंतर इस प्रयास में है कि विद्यार्थी जैसा इस विश्वविद्यालय का ध्येय है ग्राम या ग्रामों से जुड़कर और जिस प्रकार की हमारा एक जनजातीय समाज है उस दिशा में भी अपना शोध कार्य करें उसके लिए एक निश्चित मानदेय देने की व्यवस्था और उस पर विचार चल रहा है साथियों कृषि दर्शन कार्यक्रम जारी रहेगा है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुनाओ मेरी स्वतन को किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हम्म? अच्छा ये बात है क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या अब तो झट से बात हो जाती है संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर यूरिया का स्वदेशी उत्पादन सत्तर लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफ के गोरखपुर सिंदरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवी की नामरूप फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता डॉक्टर साहब खेती में लागत कम हो और चाहे देसी जुगाड़ के कुछ यंत्र अगर हम बनाने की बात करें या हम वर्मी कंपोस्ट खाद की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारी खेती में लागत कम होगी और किसान सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ उसको परेशान करती है तो लागत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसका मुनाफा नहीं हो पाता तो अपने जो कृषि के विद्यार्थियों को क्या ऐसी कोई टिप्स आप देते हैं जिससे कि ये वो उससे उभर पाएँ और समझ पाएँ इस चीज़ को बिल्कुल ग्रामोदय विश्वविद्यालय में आपने प्रश्न पूछा था कि कृषि के क्षेत्र में तो मैंने बताया कि कृषि शिक्षा के लिए यहाँ पर तो एग्रीकल्चर फैकल्टी है वहाँ पर हम बी बी एस सी और एम एस के छात्र हैं उनको अगर तकनीकी की भी आवश्यकता पड़ती है तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ जो अभियांत्रिकी संकाय है वहाँ पर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इसके भी छात्र हैं तो इस प्रकार के जो आपने बताया मशीनरी उत्पादन या उसमें कोई संशोधन तो इस दिशा में भी हमारे यहाँ ये छात्र भी सीखते हैं और इस दिशा में लगातार शोध कार्य भी चल रहा है डॉक्टर साहब नाना जी देशमुख जी के जो विचार थे और वो कितने व्यवहारिक रूप से आप विद्यार्थियों तक पहुंचा पा रहे हैं पहले विचार बताएं और उसको किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा बताएं मैंने पहले ही बताया कि ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना चित्रकूट में हुई इसके पीछे नानाजी का जो चिंतन था कि सर्वांग शिक्षा का जो एक सबसे उपयुक्त परिसर हो सकता है वह हमारा ग्रामीण परिवेश हो सकता है इसी कारण से महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना चित्रकूट में हुई और नानाजी का अपना स्वयं का मानना था कि जो युवाओं हैं उनके लिए आदर्श और प्रेरणा का केंद्र चित्रकूट से बढ़कर कोई दूसरा हो नहीं सकता दूसरा सामान्य शिक्षा तो सभी विश्वविद्यालय दे ही रहे हैं सब अप, सबकी अपनी अपनी विशिष्टता है हम गाँव में जाएं और ऐसा कहा भी जाता है कि आज जो भारत है वह गाँव में बसता है तो भारत को हमको भारत बनाना है तो हमको गांव की ओर जाना ही होगा तो केवल हमको गांव को शिक्षित करना है ऐसा नाना जी का मानना नहीं था हमको गांव से भी शिक्षा लेनी है तो हमको गांव भी जाना है और गांव को भी हमको अपने विश्वविद्यालय तक बुलाना है और इनके समन्वित प्रयास से ही ग्रामोदय हो सकता है यह नाना जी का चिंतन था नाना जी का चिंतन यह भी था कि कई बार कुछ शिक्षाएँ कुछ टेक्नोलॉजी कालबाह हो चुकी हो चुकी है तो आधुनिक परिवेश में क्या उपयुक्त शिक्षा हो सकती है इसके लिए शिक्षण शिक्षा संस्थानों को चिंतन करना चाहिए नाना जी का एक वाक्य बहुत प्रचलित है युगानुकूल सामाजिक पुनर्रचना युग के अनुसार समाज की पुनर्रचना होनी चाहिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था के लिए उन्होंने ग्रामोदय विश्वविद्यालय की कल्पना की थी डॉक्टर साहब चित्रकूट में स्थित ये विश्वविद्यालय क्या आप समझते हैं कि ये अपनी जो जो सोच जिस सोच के साथ शुरू किया गया था उस सोच पे चल पड़ा है और अब काफ़ी आगे निकल गया है निश्चित रूप से नाना जी ने ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना करते समय जो कल्पना की थी विश्वविद्यालय का निरंतर प्रयास है कि उस कल्पनाओं में हम आगे बढ़ते रहें जो लक्ष्य स्थापित हैं उस दिशा में हम आगे बढ़ें मैंने आपको पूर्व में बताया कि शिक्षा शोध और प्रसार और प्रशिक्षण के माध्यम से विश्वविद्यालय निरंतर उस दिशा में काम कर रहा है आपको यह कैंपस दिखाई दी दि... बाहर से आप भ्रमण करते आए होंगे तो हरा भरा परिसर है आपको प्लास्टिक मुक्त परिसर इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं आप कैंटीन गए होंगे वहाँ पर आपको प्लास्टिक की कोई वस्तुएं या प्लास्टिक के गिलास आपको नहीं मिले होंगे तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं तो कई बार छात्र ना केवल कक्षा में कक्षा में तो सीखता ही है छात्र कैंपस के द्वारा भी छात्रों को सीखने को मिलता है तो हम वह भी प्रयास कर रहे हैं कि छात्र जैसे ही कैंपस में प्रवेश करें यहाँ के वातावरण से भी उसको सीखने को मिले दूसरा प्रशिक्षण का कार्यक्रम तो विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत और विश्वविद्यालय स्वयं से होकर के भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है प्रसार में मैंने बताया कि हम गाँव को गोद लेकर के जो विश्वविद्यालय के भी क्षमता है उस अनुरूप गांव में जा कर के हम काम कर रहे हैं और शोध में भी जो हमारा विश्वविद्यालय का रिसर्च हो गांव की समस्याओं को लेकर के उसका हम निराकरण कर सकें कुछ निदान दे सकें विश्वविद्यालय की शोध की दिशा भी वैसी होनी चाहिए इस दिशा में हम विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है डॉक्टर साहब विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो शिक्षा में संस्कार की बात करें तो ये कितना आप शामिल कर रहे हैं शिक्षा संस्कृति एवं मूल्यों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मूल्य एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है जो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए अनिवार्य होता है इसके अंतर्गत विद्यार्थी प्रत्येक सप्ताह में वंदे मातरम गायन इसके पश्चात श्रम साधना माह के अंतिम शुक्रवार में प्रार्थना सभा का आयोजन होता है जिसमें भारतीय मूल्यों और संस्कृति की बात की जाती है जिसके जिसमें सभी विश्वविद्यालय के छात्र कर्मचारी शिक्षक एवं अधि अधिकारी सामूहिक रूप से भाग लेते हैं इसके साथ साथ छात्रों के लिए चूँकि यह ग्रामोदय विश्वविद्यालय है और ग्रामोदय विश्वविद्यालय के लिए ग्राम वह उसकी व्यवहारिक कार्यशाला होती है तो ग्राम प्रवास भी छात्रों के लिए न, रखा जाता है जिसमें छात्र गांव में प्रवास करते हैं इसके साथ साथ परिसर स्वच्छता में विद्यार्थी भाग लेते हैं इस विश्वविद्यालय की एक खासियत है कि यहाँ पर पांच संकाय हैं और सभी संकायों का अपना एक ड्रेस कोड भी है डॉक्टर साहब अंत में हम यह पूछना चाहेंगे कि आप विश्वविद्यालय के छात्रों को क्या कहना चाहेंगे या आगामी समय में कुछ विद्यार्थी जब एडमिशन भी इसमें लेंगे तो किस तरह से वो इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करें और कहीं ना कहीं वो एक आत्मनिर्भर भी बन सकें इस दिशा में क्या विश्वविद्यालय करने जा रहा है शिक्षा के लिए जहाँ तक मेरा अपना मानना है मैं इस विश्वविद्यालय का कुलगुरु हैं एक जो वातावरण होना चाहिए था वैसा सर्वांगपूर्ण वातावरण इस विश्वविद्यालय में उपलब्ध है मैं छात्रों को बिल्कुल आह्वान करूँगा यहाँ अध्ययन करने आए जो अध्ययन करने नहीं आ सकते एक बार इस विश्वविद्यालय को देखने समझने और नाना जी ने का जो चिंतन है उसको समझने के लिए ज़रूर यहाँ पर आए मैं ऐसे छात्रों का भी आह्वान करूँगा कि जिन्होंने किसी कारण से अपनी पढ़ाई बीच में ड्राप कर दी है या इस विश्वविद्यालय में आकर के इस विश्वविद्यालय को देखना चाहते हैं या विश्वविद्यालय ने जिस प्रकार विश्वविद्यालय में जिस प्रकार का अध्ययन अध्यापन हो रहा है नाना जी का जो अपना एक चिंतन था उसके अध्ययन के लिए भी आना चाहते हैं या बाहर अन्य विश्वविद्यालय में पढ़ रहे ऐसे विद्यार्थी जिनको ग्राम जीवन का या नाना जी के चिंतन का दीनदयाल जी के चिंतन का अध्ययन करना है उसके लिए भी इस विश्वविद्यालय में एक अच्छा अच्छी व्यवस्था है एक उपयुक्त परिसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के लिए अब कोई बंधन नहीं है उम्र का भी कोई बंधन नहीं है स्थान का भी कोई बंधन नहीं है जो शिक्षा अध्ययन करना चाहता है वह अध्ययन करता है तो विश्वविद्यालय में दूरवर्ती अध्ययन की भी व्यवस्था है और विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम उसके अंतर्गत भी संचालित है और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इस विश्वविद्यालय का अध्ययन करने के लिए ना केवल मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के विद्यालयों के छात्र भी आते हैं इस विश्वविद्यालय के वातावरण से वो प्रभावित होते हैं और कई बार तो वहाँ के शिक्षक या विद्यार्थी यहाँ के शिक्षकों से मिलना चाहते हैं और जो यहाँ पर चलने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं उसके बारे में अपनी रुचि जाहिर करते हैं तो आपने जैसा कहा मैं तो ऐसे सभी छात्रों को आह्वान करता हूँ निवेदन करता हूँ अध्ययन के लिए आइए सीखने के लिए आइए ग्रामोदय के लिए आपके अपने कोई सुझाव हैं एक शिक्षा संस्थान क्या कर सकता है अगर आपके पास कोई अनुभव है तब भी आइए हमारे विश्वविद्यालय को अपने अनुभव का लाभ भी दीजिए तो विश्वविद्यालय एक ग्राम दर्शन का प्रयास कर रहा है और विश्वविद्यालय एक ओपन आर्ट गैलरी स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है और जाते जाते मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि आप उसको देखिए और हमारे छात्रों की जो एक पहल है ग्राम दर्शन की जी। ग्राम जीवन कैसा होता है यह विश्वविद्यालय वहाँ पर ओपन आर्ट गैलरी में सबके सामने प्रस्तुत करने वाला है तो उसको निश्चित रूप से आप देखते हुए जाइएगा सर चित्रकूट एक धार्मिक नगरी होने के साथ एक पर्यटन स्थल भी है आ, कई हम देखते हैं कई जो राज्य हैं वो पूरी तरह से पर्यटन पर आधारित है उनकी इकोनॉमी या कई छोटे छोटे देशों की तो इकोनॉमी ही पर्यटन से चल रही है तो अगर हम चित्रकूट को अगर एक समग्र रूप में देखें तो अगर हम पर्यटन की दृष्टि से भी देखें तो विश्वविद्यालय में कई कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं आगामी समय में अगर कुछ अगर इस तरह के कोर्स संचालित किए जाएं जैसे कोई गाइड है या कोई इस तरह के पर्यटन स्थल की जानकारियों के संबंध में तो वो किस तरह से विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त होगा एक प्लेसमेंट भी उन्हें मिल पाएगा और सही और ऑथेंटिक जानकारी भी वो दे पाएंगे निश्चित रूप से आपका सुझाव बहुत उपयोगी है विश्वविद्यालय ऐसे पाठ्यक्रम चला रहा है आपने चित्रकूट में पर्यटन की बात की तो चित्रकूट में पूरे भारत से लोग पर्यटन के लिए आते हैं और आपने देखा होगा चित्रकूट में कि जगह जगह पेंटिंग बनी है कई दीवारों में पेंटिंग बनी है ये हमारे यहाँ के छात्रों के द्वारा ही बनाई गई है पर्यटन की दिशा में भी यहाँ पर एक सिद्धा पहाड़ है राम जी की प्रतिमा यहाँ के छात्रों के द्वारा बनाई गई है और वीरांगना रानी दुर्गावती की मूर्ति जिसका अनावरण पिछले इकतीस मार्च को हुआ था वह भी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा बनाई गई है तो विश्वविद्यालय इस दिशा में भी अपने छात्रों को प्रोत्साहित कर रहा है और विश्वविद्यालय अपना खुद का मतलब एक प्रकार से उनका रोजगार सृजन भी हो रहा है तो वो यहाँ अध्ययन भी कर रहे हैं और समाज में इस प्रकार की गतिविधियों से उनको आय भी हो रही है तो और विश्वविद्यालय स्वयं में भी एक पर्यटन का स्थल भी बन रहा है चित्रकूट के साथ साथ तो विभिन्न स्थानों से आने वाले पर्यटक विश्वविद्यालय में भी आते हैं और यहाँ पर जो विभिन्न गतिविधियाँ हैं उसको भी देखते हैं डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की परिकल्पना उससे जुड़े स्वरोजगार और विद्यार्थियों को किस तरह से आगामी योजनाओं का लाभ मिलेगा और उनके अध्ययन की रीति जो है उसके बारे में बताया आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद तो साथियों कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज बस इतना ही अगले कार्यक्रम में हम फिर कुछ नई कृषि संबंधी जानकारियों को लेकर हाजिर होंगे तब तक के लिए आज्ञा नमस्कार Música